गुड इवनिंग बच्चों, कल हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग कवर करते हैं टोटल क्वांटम नंबर्स को खत्म करते हैं। तो अगला जो क्वांटम नंबर है बच्चों, वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, है ना। कौन सा क्वांटम नंबर है बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बच्चों। मैं आपको बता दूं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्वांटम नंबर होता है, इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस। इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। स्पेस में ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को बताएं। इस डेफिनेशन में मत जाओ, इट इज ओनली द डेफिनेशन, है ना। इट टेल्स अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। बच्चों क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में बताता है सबशेल के अंदर, जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी नंबरिंग, ऑर्बिटल्स की नंबरिंग बताता है बच्चों। ये मेन चीज समझो, ये ऑर्बिटल की नंबरिंग बताता है बच्चों, मेरी बात समझो। ये ऑर्बिटल की नंबरिंग बताता है, जैसे मैं बताऊं आपको, इसकी जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो वैल्यू है इज डिपेंड ऑन अजूमेटल क्वांटम नंबर, इज डिपेंड ऑन अजूमेटल क्वांटम नंबर, और आप लिख सकते हैं और एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों देखो, सबशेल के अंदर कौन होता है, ऑर्बिटल होता है, उन ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं हम लोग, हम सबशेल के अंदर ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल से जीरो और जीरो से प्लस एल तक होती है। क्या बच्चों? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो माइनस एल से जीरो, जीरो से एल। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ऑर्बिटल्स की नंबरिंग कर रहे हैं, जो हमने ऑर्बिटल पता किए थे, अब उसकी नंबरिंग कर रहे हैं, ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको बताया था एल बराबर अगर जीरो है तो ये कौन सी सबशेल है, एस। कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें? एक। एल बराबर अगर वन है तो कौन से पी सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तीन। अगर एल बराबर टू है तो कौन सी सबशेल है, डी। कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? पांच। एक दो तीन, ठीक है। और अगर एल बराबर थ्री है तो कौन सी सबशेल है, एफ। कितने ऑर्बिटल होते हैं? सात। एक दो तीन चार पांच छह सात, ठीक है। तो आप मेरी बात समझो कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें क्या बताता है, इट टेल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये हमें ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल की स्पेस में। बच्चों ये क्या बताता है, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उनकी नंबरिंग करी जाती है, ऑर्बिटल्स की नंबरिंग। मान लो इस फ्लोर पे तीन कमरे हैं तो इन तीन कमरों का नंबर बताया जा रहा है इस फ्लोर पर। फ्लोर क्या है? सबशेल। बिल्डिंग क्या है? शेल। सही है। वार्ड क्या है? एटम। तो जो फ्लोर है, फ्लोर पे अगर मान लो तीन कमरे हैं, पी फ्लोर पर, पी सबशेल पर तीन कमरे हैं, पी सबशेल जो है वो तीन ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, एस सबशेल जो है वो एक ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, डी सबशेल जो है वो पांच ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, एफ सबशेल जो है वो सात ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, एस सबशेल एक ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, पी सबशेल तीन ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, डी सबशेल पांच ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, एफ सबशेल सात ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, जी सबशेल, एल बराबर फोर, जी सबशेल नौ ऑर्बिटल से मिलकर बनी है। ऑर्बिटल को बॉक्स से दिखाया जाता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ नहीं करता, इन ऑर्बिटल्स के नंबर की नंबरिंग करता है, और इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो टोटली एल पे डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू जो है वो टोटली एल पे डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है बताओ, इसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है? इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक, है ना। जैसे मान लो, मैं बताता हूं, अगर एल बराबर जीरो है तो सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होगा, उस ऑर्बिटल की वैल्यू कितनी होगी? अगर एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू जीरो, मतलब एक ही ऑर्बिटल है। अगर एल की वैल्यू वन तो पी सबशेल एम की बताओ कितनी वैल्यू होगी? माइनस वन, जीरो, प्लस वन, तीन ऑर्बिटल होंगे, और यही होते हैं वो तीन ऑर्बिटल। एक को कहा जाता है पी एक्स, एक को कहा जाता है पी वाई, और एक को कहा जाता है पी जेड, और इनकी नंबरिंग क्या है? माइनस वन, जीरो, प्लस वन। बेटा नंबरिंग किसी को भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि pz को सिर्फ प्लस वन होगा, pz किसी भी एक ऑर्बिटल का नंबर प्लस वन होगा, किसी भी एक ऑर्बिटल का नंबर जीरो भी हो सकता है, किसी भी एक ऑर्बिटल का नंबर माइनस वन भी हो सकता है।
m बराबर माइनस वन जीरो वन, तो p सबशेल के अंदर l बराबर अगर 1 होता है तो कौन सी सबशेल होती है? p सबशेल, और p सबशेल के अंदर ये तीन ऑर्बिटल होते हैं। अब बच्चों मेरी एक क्वेश्चन समझना, नीट में आया था, अगर मैं n बराबर 3 दे दूं, l बराबर 1 दे दूं, m बराबर माइनस 1 दे दूं, तो बताओ कितने ऑर्बिटल होंगे? आपको मालूम है l बराबर 1 में तीन ऑर्बिटल होते हैं, माइनस 1 0 1, ये कितने की वैल्यू है? m जो बताता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, कितने m की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 मतलब एक कमरे का नंबर है, मतलब एक ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। समझो ना मेरी बात, अगर n बराबर 3 है थर्ड शेल के अंदर, l बराबर 1 p सब शेल है, p सब शेल में कितने ऑर्बिटल की नंबरिंग है? एक ऑर्बिटल की नंबरिंग है माइनस 1। बेटा 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, तीन केसेस पॉसिबल है ना, माइनस 1 0 1 तीन केसेस पॉसिबल, इन्होंने एक लिया है। अगर l बराबर 1 है तो उसकी वैल्यू माइनस 1 से लेकर प्लस 1 तक हो सकती है, तीन वैल्यूज होती है, तीन ऑर्बिटल होते हैं, उन्होंने एक ऑर्बिटल कंसीडर किया, तो m की वैल्यू हमें बताती है कि कितने ऑर्बिटल। बोलो, अगर l बराबर 0 है, ये पहला केस है, अगर l बराबर 0 है तो m की वैल्यू 0 की, मतलब एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ऑर्बिटल। अगर l बराबर 1 है, p सबशेल है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? 3 माइनस 1 0 1, ये ऑर्बिटल कौन कौन है? px py और pz, तीन ऑर्बिटल है, px py pz, तीन ऑर्बिटल है, px py pz, तीन ऑर्बिटल है, px py pz। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब उन तीन ऑर्बिटल में से एक केस ले लिया, अच्छा ये वाला केस भी पॉसिबल है, ये केस पॉसिबल है, ये वाला केस भी पॉसिबल है, n बराबर 3 हो, l बराबर 1 हो, m बराबर 0 हो, तो ये भी पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो m की कितनी वैल्यूज हो सकती है? 3 हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकती है, इसमें कौन सी वैल्यू ली है? 0, इट मे ऑल्सो पॉसिबल, इट मे ऑल्सो पॉसिबल। अरे भैया अगर l की वैल्यू 1 है तो कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? माइनस वन जीरो वन, तो माइनस वन जीरो वन, क्या ये वाला केस पॉसिबल है? जरा मुझे बताओ, एन बराबर थ्री हो गया, एल बराबर थ्री हो गया, एम बराबर माइनस थ्री हो गया, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एन माइनस वन तक है, एल की जो मैक्सिमम वैल्यू है एन माइनस वन तक है, तो ये वाला केस बराबर नहीं हो सकता, एन की वैल्यू कभी भी एल के बराबर नहीं हो सकती। समझो पहले, समझो, अच्छा ये बताओ अगर मैं l की वैल्यू 2 ले लूं तो कौन सी सबशेल होगी? d सबशेल होगी, d सबशेल होगी, तो m की कितनी वैल्यूज होंगी बताओ? माइनस 2 भी हो सकती है, माइनस 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, प्लस 1 भी हो सकती है, प्लस 2 भी हो सकती है, पांच वैल्यूज हो सकती है, माइनस 2 हो सकती है, माइनस 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, प्लस 2 हो सकती है, तो ये पांच जो कमरे हैं उनकी नंबरिंग है। आप किसी भी कमरे को माइनस 2 नंबर दे सकते हो, किसी भी कमरे को माइनस 1 दे सकते हो, 0 दे सकते हो, प्लस 1 दे सकते हो, प्लस 2 दे सकते हो। बोलो, और ये पांच ऑर्बिटल जो है वो है dxy, dyz, dzx, dx2-y2, dz2। तो अगर मैं आपसे बोलूं जो d सबशेल है वो कितने ऑर्बिटल से मिलके बनी है? पांच, पांच ऑर्बिटल से मिलके बनी है, पांच डी ऑर्बिटल को मिलके बनी है, और ये पांच डी ऑर्बिटल कौन कौन है? dxy, dyz, dzx, dx2-y2 एंड dz2। और इन पांच डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो किस इन जो ऑर्बिटल है इनकी नंबरिंग की गई है, एक कमरे को माइनस टू नंबर, एक को माइनस वन, एक को जीरो, एक को प्लस वन, एक को प्लस टू। बच्चे सोचते हैं ये नंबर फिक्स है ना, किसी भी कमरे का नंबर है भैया, किसी भी कमरे को आप प्लस टू नंबर दे सकते हो, किसी भी कमरे को माइनस वन दे सकते हो, जीरो, बट कितने ऑर्बिटल की नंबरिंग की गई है, सबशेल के अंदर घुसकर ऑर्बिटल की नंबरिंग की गई है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं एन बराबर 3 ले लूं, एल बराबर 2 ले लूं, एम बराबर माइनस 2 ले लूं, क्या ये केस पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, अगर l की वैल्यू d सबशेल के अंदर m बराबर माइनस 2 केस है कि नहीं है? अगर मैं ये वाला दे दूं, n बराबर 3 ले लो, l बराबर 2 ले लो, m की वैल्यू माइनस 1 ले लो, ये वाला केस भी पॉसिबल है, क्या ये इसमें वैल्यू लाई नहीं कर रही? ये भी इसका एक ऑर्बिटल का नंबर है, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर माइनस 1, ये भी इसके एक ऑर्बिटल का नंबर है। समझो मेरी बात, ये भी इसके एक ऑर्बिटल का नंबर है।
तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और उन पांच ऑर्बिटल की नंबरिंग किसने की, इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो टोटली किस पे डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड करती है। अच्छा ये बताओ एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन, डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच। अच्छा मैं आपसे ये पूछूं, एन बराबर फोर, एल बराबर जीरो, एम बराबर, इससे मैं आपसे पूछूंगा, अभी रुको एक मिनट रखना, ये हो गया पहले। अच्छा ये बताओ एल की वैल्यू अगर थ्री होगी तो कौन सी सबशेल है, एफ। एम की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, एक तो माइनस थ्री पॉसिबल है, एक माइनस टू पॉसिबल है, एक माइनस वन पॉसिबल है, एक जीरो पॉसिबल है, एक प्लस वन पॉसिबल है, एक प्लस टू पॉसिबल है, एक प्लस थ्री पॉसिबल है। तो कितने ऑर्बिटल हो गए, कितने ऑर्बिटल की नंबरिंग है, ये इन सात डब्बों की नंबरिंग है। एफ सबशेल के एफ फ्लोर पर सात ऑर्बिटल होते हैं, सात ऑर्बिटल होते हैं एफ फ्लोर पर। फ्लोर क्या है, फ्लोर मैं किसको बोलता हूं, फ्लोर सबशेल को। ऑर्बिटल्स को क्या बोलता हूं मैं, रूम। इन रूम की नंबरिंग कर दो, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, कितने ऑर्बिटल हो गए, सात। तो सात ऑर्बिटल एफ सबशेल के अंदर, सात ऑर्बिटल है, इनकी नंबरिंग कर दी गई, इनके नाम नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं, ये सुनो, जो एल बराबर जीरो एस सबशेल, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसका नंबर कितना है, जी। एल बराबर अगर वन दे दो तो ये पी सबशेल है, पी सबशेल में कितने डब्बे हैं, तीन। इन तीन डब्बों का नंबर क्या है, माइनस वन, जीरो, वन। एल बराबर अगर टू ले लूं तो ये डी सबशेल, डी सबशेल में कितने डब्बे हैं, कितने बॉक्सेस हैं, पांच। पांच के नंबर क्या है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू। तो समझो मेरी बात, ये नंबरिंग की गई है, जो ऑर्बिटल सबशेल, सबशेल जो ऑर्बिटल से मिलकर बन गई है, सबशेल के अंदर घुसकर हम ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं, ये बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताया था कि सबशेल के अंदर एंटर करके हम ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं, सबशेल के अंदर एंटर करके हम ऑर्बिटल की नंबरिंग कर रहे हैं बच्चों, सबशेल के अंदर एंटर करके हम ऑर्बिटल्स की नंबरिंग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। नहीं समझ पा रहे हो, बात नहीं समझ रहे हो बिल्कुल। आप ये बताओ, अगर एल की वैल्यू जीरो है तो कौन सी सबशेल है, एस सबशेल है, एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, अभी सिखाया है एक ऑर्बिटल होता है, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एस सबशेल में, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल बराबर वन आ जाए, पी सबशेल आ जाए, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, नंबरिंग बोलो, माइनस वन, जीरो, वन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक डब्बे में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मैक्सिमम पी सबशेल में छह इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम कितने भर सकते हो पी सबशेल में, छह इलेक्ट्रॉन। एल की वैल्यू अगर टू है तो ये डी सबशेल, डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये पांच ऑर्बिटल होते हैं, बोलो dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square, पांच ऑर्बिटल हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो d सबशेल में, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, इनकी नंबरिंग कितनी है, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन। अच्छा ये बताओ, ये केस पॉसिबल है, n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0, बिल्कुल पॉसिबल, n बराबर 3, l बराबर 2, कौन सी सबशेल है, d सबशेल, क्या d सबशेल के अंदर m की एक वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 0, बिल्कुल करती है, ये रही 0। अरे भाई पांच वैल्यूज होती है, माइनस टू भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, उसमें एक केस लिया है, ये वाला केस लिया है, ये केस पॉसिबल है कि नहीं, एन बराबर थ्री, एल बराबर टू, एम बराबर जीरो, केस पॉसिबल है। एन बराबर फोर, एल बराबर जीरो, एम बराबर माइनस वन, क्या ये केस पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एल बराबर अगर जीरो होगा तो एन की वैल्यू भी जीरो होगी, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, समझो जल्दी करो, बताओ समझो। तो L बराबर 0 होगा तो S सबशेल होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L बराबर 1 होगा तो P सबशेल होगा, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, L बराबर 2 होगा तो D सबशेल होगा, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, ये वाला केस पॉसिबल है। अरे N बराबर 3, L बराबर 2, D सबशेल है,
डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल लाई कर सकते हैं, 5, माइनस टू भी हो सकता है, माइनस वन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, टू, इन्होंने कितनी वैल्यू ली, एक, मतलब इन्होंने एक ऑर्बिटल लिया है डी सबशेल का, तो वो कौन सा ऑर्बिटल लिया, जीरो वाला। अगर मैं एल बराबर थ्री ले लू तो कौन सी सबशेल है, बोलो एफ, एफ सबशेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, एफ सबशेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, सात, और ये कौन से नंबर है, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, सात ऑर्बिटल से मिलकर बनी है एफ सबशेल। किसी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का क्या तरीका होता है, मतलब किसी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या होता है, उस ऑर्बिटल निकालने का तरीका होता है 2l+1। किसी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल निकालने का तरीका क्या होता है, 2l+1। और इन ऑर्बिटल की नंबरिंग करने का, ये ऑर्बिटल कितने होते हैं ये बताता है, ऑर्बिटल की नंबरिंग का तरीका जो होता है वो होता है माइनस एल से, जीरो। अरे जो ऑर्बिटल आपको मालूम चले कि किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, उन ऑर्बिटल की नंबरिंग आप ऐसे करते हो, माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल। भैया जो ऑर्बिटल आपने पता किए किसी पर्टिकुलर सबशेल में, उनकी नंबरिंग कहां से करते हो, माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल। उन ऑर्बिटल की नंबरिंग कैसे करते हो, माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल। और वो ऑर्बिटल कितने होंगे, 2l+1, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन का भी एक फॉर्मूला बताया था पर्टिकुलर सबशेल में, 4l+2। बच्चों ये सबशेल के लिए वैलिड है, सबशेल के लिए, किसी भी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, समझ गए नहीं समझो बच्चों। टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि आपको बहुत दिक्कत आ रही है समझने में, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। किसी पर्टिकुलर सबशेल में, ये मान लो अगर मैं आपको दे दूं ऐसे हिंदी में लिख दूं, किसी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल कितने ऑर्बिटल होंगे, तो वो आंसर हो गया 2l+1। मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी पर्टिकुलर सबशेल में ऑर्बिटल 2l+1, फिर लिखूं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटल, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में ऑर्बिटल n2, दोनों लिख लिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी पर्टिकुलर सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किसी पर्टिकुलर सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जस्ट डबल, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2l+1 में कितने आएंगे, 4l+2। और किसी ऑर्बिट में अगर एन स्क्वायर ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n2। इजी क्वेश्चन, किसी पर्टिकुलर सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 2l+1, वो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जस्ट डबल, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल होते हैं, n2, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके, जस्ट डबल। ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की नंबरिंग किसने की, ऑर्बिटल की नंबरिंग, ऑर्बिटल की नंबरिंग की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, कहां से कहां तक, जो ऑर्बिटल आपने पता किया कहां से कहां तक नंबरिंग की, माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल, यहां तक नंबरिंग की, किसी भी ऑर्बिटल की नंबरिंग कैसे की, माइनस एल से जीरो, जीरो से प्लस एल। नहीं समझे, अब तो आना चाहिए था ये वाला केस, बताओ क्या ये केस पॉसिबल है, एन बराबर टू, एल बराबर टू, एम बराबर माइनस टू, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी l के बराबर नहीं हो सकती। क्या ये वाला केस पॉसिबल है, n बराबर 2, l बराबर 0, m बराबर -1, ये वाला ऑर्बिटल लाई नहीं करेगा है, क्योंकि l बराबर 0 होता है तो n की वैल्यू एक ही पॉसिबल है 0। क्या ये वाला केस पॉसिबल है, n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर 0, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 1 होती है तो m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है, -1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, एक केस ले लिया। इस m की वैल्यू ये बता देती है कि कितने ऑर्बिटल है इसमें अंदर आपने लिया है, तो इसमें आपने एक ऑर्बिटल लिया, वो कौन सा वाला लिया है, ये जीरो वाला लिया। आप इसकी जगह ये भी केस पॉसिबल है, आप इसकी जगह -1 रख दो ये भी पॉसिबल है, आप इसकी जगह +1 रख दो ये भी पॉसिबल है। तो अगर आप l की वैल्यू 1 लेते हो तो तीन पॉसिबल केस है, उन्होंने एक ले लिया इसमें से, उन्होंने एक ले लिया है।
अगर मैं आपको ये लिख कर दे दूं, बोलो, अगर मैं आपको लिख के दे दूं 4p, तो 4p में आप n और l और m की वैल्यू बताओ, तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, p सबशेल है तो l की वैल्यू हो जाएगी 1, m की वैल्यूज कितनी पॉसिबल है, तीन वैल्यूज पॉसिबल है, -1, 0, 1, तो तीन तो चीजें बता दिया। अगर मैं आपको ऐसे लिख के दे देता हूं ना, n की वैल्यू 4 हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, और पॉसिबल केसेस तीन हो सकते हैं, -1, 0, 1। p सबशेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, p सबशेल तीन ऑर्बिटल से मिलकर बनी है। तो एक शेल में बहुत सारी सबशेल हो सकती है और सबशेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, ये क्वेश्चन। लास्ट क्वांटम नंबर आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, लास्ट क्वांटम नंबर आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। अब इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरीके से हो सकती है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, दो ही तरीके से तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन हो सकती है। क्लॉकवाइज को ऐसे दिखा दिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे दिखाया जाता है। अब ऐसा सुनो, इसीलिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में दो नोटेशन होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। इन इलेक्ट्रॉन की स्पिन को दो चीजों से बताया जाता है, प्लस हाफ माइनस हाफ। कोई जरूरी नहीं है कि प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए लिया जाए, कोई जरूरी नहीं है माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज, कुछ भी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज के लिए आप माइनस हाफ ले सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप प्लस हाफ ले लोगे। ये फिक्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि क्लॉकवाइज के लिए ऑलवेज प्लस हाफ हो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऑलवेज माइनस हाफ। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। बच्चों जो एक ऑर्बिटल में, जो एक बॉक्स में जो दो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उनमें एक की स्पिन क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। आप दो इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं भर सकते, ये गलत है। रीजन है, रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा। और हमें मालूम है रिपल्शन मैक्सिमम हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, हमें रिपल्शन कम करना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे घुमाओ, एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे घुमाओ, तो पूरे रास्ते के दौरान, होल साइकिल के दौरान, ये कितने बार कांटेक्ट में आएंगे, एक बार। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज घुमाओ, दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, तो पूरे रास्ते में कितनी जगह पर कांटेक्ट में आएंगे, एक जगह कांटेक्ट में आएंगे। इसीलिए एक ऑर्बिटल में जब हम दो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो उसमें एक क्लॉकवाइज होना चाहिए और एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक क्लॉकवाइज होना चाहिए, एक एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बच्चों सुन रहे मेरी बात, जब आप एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसा क्यों करा जाता है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए। रिपल्शन अगर मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा करनी। तो ऐसा क्यों किया जाता है, रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को बताता है। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन दो तरीके से हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्या मुझे बताओ ये वाला केस पॉसिबल है, n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर प्लस हाफ या माइनस हाफ भी लिख सकता है, ये भी केस पॉसिबल है। अरे भाई एक n बराबर 4 है तो l की वैल्यू दे दी 0। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, अगर n बराबर 4 है तो कितनी सबशेल पॉसिबल है, आपको मैंने सिखाया था 0 से लेकर n माइनस 1 तक सबशेल पॉसिबल है, तो कितनी सबशेल हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। इन्होंने कौन सी सबशेल ले ली है, एक ले ली है, s सबशेल। अरे फोर्थ शेल में चार सबशेल पॉसिबल है, 0 1 2 3, कौन कौन सी सबशेल हो गई, 4s 4p 4d 4f, चार सबशेल पॉसिबल है, 4s 4p 4d 4f। n बराबर 4 में ये वाला केस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर l की वैल्यू 0 होगी तो l की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। तो आपको मैं बताऊं स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है। स्पिन इलेक्ट्रॉन की दो तरीके से हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसने क्या बताया, इसने बताया कि किसी भी एक ऑर्बिटल में जो आप दो इलेक्ट्रॉन भरोगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, ताकि रिपल्शन मिनिमम हो, रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होना चाहिए, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अगर मैं एन बराबर 3 ले लूं और l बराबर में 1 ले लूं और m बराबर में -1 ले लूं और s बराबर में प्लस हाफ ले लूं, मैं पूछूं कौन सा ऑर्बिटल है, तो बड़ा आसान है, ये p का एक ऑर्बिटल है, 3p का एक ऑर्बिटल है, 3p का एक ऑर्बिटल है। अरे भैया m की वैल्यू एक है ना, तीन होती वैसे तो पॉसिबल, तीन वैल्यूज होती है, -1, 0, 1, बट एक ऑर्बिटल है तो 3p का एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है।
n बराबर 3, l बराबर 1, m बराबर माइनस 1, ये केस पॉसिबल है। अगर मान लो ऐसे दे दूं मैं n बराबर, अब जैसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, n n बराबर 5 दे दूं और l बराबर 0 दे दूं, m बराबर 0 दे दूं, s बराबर प्लस हाफ दे दूं, तो आप लिख सकते हैं इसमें, इसका मतलब है ये 5s का एक ऑर्बिटल है, 5s का एक ऑर्बिटल है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है जिसकी स्पिन क्लॉकवाइज है। 5s का एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 3p का एक ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, नहीं समझे? n बराबर 5 है, l बराबर 0 है, तो इसका मतलब है सब शेल, उसके अंदर एक ऑर्बिटल भरा हुआ है, s ऑर्बिटल, उसकी स्पिन प्लस हाफ है। अरे भैया n बराबर 5 है तो l बराबर 0 है, सब शेल आ गया, सब शेल में आओ मेरी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल जिसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे भाई m जो है उन ऑर्बिटल की नंबरिंग करता है, ठीक, जल्दी करो बताओ। तो ये तो कहानी हो गई किसकी बच्चों, ऑर्बिटल्स, ये कहानी हो गई ऑर्बिटल्स की। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोल दूं फिफ्थ ऑर्बिट में, फिफ्थ शेल में ऑर्बिटल बताओ, फिफ्थ शेल में ऑर्बिटल बताओ, आंसर हो गया 25। फिफ्थ शेल में इलेक्ट्रॉन बताओ, तो आंसर हो गया 50, ठीक है। बोलो, अगर मैं आपसे ये पूछूं 4p के अंदर ऑर्बिटल बताओ, बहुत आसान है, कौन सी सबशेल है, p, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, इलेक्ट्रॉन बताओ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो 3 में 6। अच्छा ये बताओ 4d में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4d में, तो 4d में ऑर्बिटल कितने होंगे, d में कितने, और d सबशेल कितने ऑर्बिटल से मिलकर बनी है, 5, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अच्छा मुझे बताओ अगर n बराबर 4 आ जाए, l बराबर 1 आ जाए, m बराबर माइनस 1 आ जाए, बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाउ मेनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल, l की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, m की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, एक, मतलब इसके अंदर एक ऑर्बिटल होगा p का, p का एक ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो, तो ये p का एक ऑर्बिटल दे रखा है। अरे पॉसिबल वैल्यूज तो तीन होती है ना, तीन होती है, माइनस 1, 0, 1, बट उसने तो एक ली है ना, तो m की वैल्यू बताती है कि कितने ऑर्बिटल होंगे और उन ऑर्बिटल की नंबरिंग कितनी होगी, जल्दी बताओ। अच्छा ये बताओ 3p में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, जल्दी बताओ 3p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 6। अच्छा मैं ऐसे दे दूं n बराबर 4, l बराबर 2, m बराबर माइनस 2, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो मैक्सिमम, 2। अरे m की वैल्यू एक ही तो है, एक ही है तो इसका मतलब एक ही ऑर्बिटल है ना, एक ही कमरे का तो नंबर है ये। और अगर मैं ऐसे बोलूं 4d में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 10। ये कहानी हो गई। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अजूमेटल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में, शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस की इंफॉर्मेशन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन की देता है। अब हमारी जो कहानी आ गई बच्चों वो आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कहानी आ गई कल के टर्म पे। बच्चों आज हम लोगों ने यहां तक कर लिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कहानी आ गई, तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं मेन की पॉइंट, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है साइज की, साइज की इंफॉर्मेशन देता है ना, और आपकी एनर्जी की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, शेल ऑर्बिट की इंफॉर्मेशन देता है, एनर्जी लेवल कह लो, ये इनकी इंफॉर्मेशन देता है ना। एल जो बताता है वो शेप बताता है ऑर्बिटल की, एल जो है वो सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है, एल जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बताओ 4d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल, 4d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, 4d के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट एल एल प्लस 1 एच बाय 2 पाई 4d, d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 2, अरे d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, ये आंसर आ गया रूट 6, रूट 6 एच अपॉन 2 पाई,
एक होता है हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है जो ऑर्बिट से रिलेटेड है, वो है जो बोहर ने दिया था, mvr is equals to nh upon 2 pi. तो फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ऑर्बिट में, फिफ्थ ऑर्बिट में आंसर होगा 5h upon 2 pi. फिफ्थ ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम होगा 5h upon 2 pi. ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, अंडर रूट ll plus 1 h upon 2. L जो है वो शेप की इंफॉर्मेशन देता है, सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है. M जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की, किस एक्सिस के अलोंग उनकी ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस की इंफॉर्मेशन देता है, या फिर आप नंबरिंग ऑफ ऑर्बिटल भी कह सकते हो. S जो है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन. ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, रूट 6 एच अपॉन 2 पाई. एम जो है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस बताता है, एन जो है साइज के बारे में बताता है. सारी चीजें बता दी मैंने, सारी चीजें बच्चों मैंने बता दी. अब आ गया रूल्स, आ गए बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया. ठीक है, कल के टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो आएगा, बहुत शानदार, अच्छे से पढ़िएगा, एक डेढ़ घंटे का वीडियो होगा बच्चों. ठीक है, ओके बच्चों, आज का क्वांटम नंबर टॉपिक खत्म. थैंक यू.